हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आपके चैनल टिक्का मोटर टेक पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इंडक्शन कुकर रिपेयरिंग है, जिसमें पियानो का है और मॉडल है रेपिडो क्यूट जो 1800 वाट का है। देख सकते हैं यहाँ पे 1800 वाट का है। इसका प्रोग्राम है, देख सकते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम देख लीजिए आप। यहाँ पे मिडनाइट में डाल दिए, चालू बिल्कुल नहीं हो रहा, सिर्फ वोल्टेज यहाँ पे बता रहा है, वोल्टेज बिल्कुल पे फिल कर रहा था और कोई भी बटन इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और चालू हो नहीं रहा है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे जो देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या त्रुटि आता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम सभी बटन को बार बार जांच लेंगे। इसका पावर बटन इस साइड है या ऑन ऑफ, तो सबसे पहले हम पावर बटन को जांच लेंगे और उसके बाद सभी बटन को जांच लेंगे ताकि कोई भी टूट रहेगा तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं सामने सामने ही करा बिल्कुल, इसको जब भी जांचना है आपको तिरछा को नहीं जांचना है, जैसे यहाँ पे या यहाँ से। शॉप नहीं है, देख सकते हैं इसका स्विच काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसको पावर बटन को कर देते हैं और मेनू जो है उसको भी जांच लेते हैं ताकि एक ही बार में सभी को ठीक करते चले। ये भी काम नहीं कर रहा है, सभी बटन को एक साथ जांच लेते चले। जांचेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएगा, इसे भी देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। आज इसमें बटन जो था ये चालू हो रहा है, इसके अगले बटन पे ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। इसमें सिर्फ एक बटन सही है और बाकी का पांच बटन खराब है, एक दो तीन छह बटन है टोटल, जिसमें एक सही है और बाकी सभी खराब हो गया। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है जो पानी गिर जाने के कारण होता है, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करिएगा कि पानी इस पे जाए। इसमें होता है कि इस साइड से इंट्री किया पानी, देख सकते हैं यहाँ से इंट्री किया और इस बोर्ड पर चला जा रहा है। इसके बोर्ड पर आने के बाद, कीपैड आने के बाद ये सारा प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देता है, कभी ऑन ऑफ कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है इसमें।
तो इसे हम सभी स्विचों को पहले चेंज कर देते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों देख सकते हैं हम सभी बटन को निकाल दिया, एक सही था फिर भी उसको, ताकि आगे समय के लिए परेशानी ना हो, तो हम 6 के 6 बटन ही निकाल दिए। और ये पानी जाने के कारण ये सभी बोर्ड गंदा हो जाता है, रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी अंदर ना जा पाए। तो हम इस अब कीबोर्ड को सेट करते हैं। अब हम इसमें सारे स्विच सेट करते हैं। देख सकते हैं फाइनल हमने इसे सेट कर दिया। अब इसे जांचने के लिए तैयार करते हैं, उसके पहले हम इसमें कर देते हैं। चलिए हम इसे जांचने के लिए तैयार। देखिए लाइट आ गया, इसे हम चालू कर दिए, बिल्कुल ले रहा कम बेसी नहीं हो रहा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा घट रहा, 1800 बढ़ता है, 1800 तक लेगा। इसमें हम वापस काम कर देते हैं और इसमें टाइमर भी काम कर रहा है, करंट वोल्टेज भी काम कर रहा है और फंक्शन की भी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और यहाँ देख सकते हैं बाहर बिल्कुल बन रहा है। तो देखने के लिए वीडियो को बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।